दोस्तों, आप मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल लर्निंग विद शिवम। मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने थंबनेल में लगा दिया था कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्टेट कैपिटल्स एंड लैंग्वेजेस, जीके हैं। चलिए, आप लोग स्टेट और कैपिटल पढ़े होंगे, लेकिन इसमें हम एक बड़ा कि लैंग्वेज भी बताने जा रहे हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम यहाँ पर एक लिस्ट ला चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आंध्र प्रदेश। आपको मेरा बात समझ में ना आए तो लिस्ट में ज़रूर देखें। अगर आपको बुक खरीदना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से अमेजोन से खरीद सकते हैं। 200 के अंदर में बुक आ जाएगा। जीके का बुक है, इसमें बहुत सारा चीज़ें विद्यासागर का है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश, इसका कैपिटल है हैदराबाद और इसका लैंग्वेज है तेलुगु। या आंध्र प्रदेश एक स्टेट है, कैपिटल है हैदराबाद और इसका लैंग्वेज है तेलुगु। अब ये हो गया। अब सेकेंड है असम। असम जानते होंगे, असम का कैपिटल दिसपुर है, बहुत लोग जानते हैं। लेकिन इसका जो होता है ना, दिसपुर है और एक गुवाहाटी है, और उसका लैंग्वेज है ना असामी भी है और बंगाल भी है, बंगला भी है, क्योंकि दिसपुर में बंगला इस्तेमाल किया जाता है और असम में असामी। ओके, अब आया तीसरा पर, जहाँ पर हम रह रहे हैं, मतलब कि हम रह रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बिहार। बिहार का कैपिटल है पटना और उसका राज्य है बिहार, राजधानी पटना, और लैंग्वेज यानी कि भाषा हिंदी। आप सभी जानते हैं कि बिहार में और पटना में हिंदी इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है गुजरात। गुजरात का कैपिटल यानी कि राजधानी है गांधीनगर और भाषा है गुजराती, क्योंकि गुजरात में तो गुजराती ही इस्तेमाल होता है, आपको पता होगा। फिफ्थ है हरियाणा। हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़ और इसका लैंग्वेज है हिंदी। आप जानते होंगे हरियाणा दिल्ली के बगल में, और वहाँ पर हिंदी इस्तेमाल किया जाता है। सिक्स्थ है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला और हिंदी, मतलब कि और भाषा है हिंदी और पहाड़ी। पहाड़ी होता है हिमाचल प्रदेश में, तो हिंदी ही होता है, शिमला में पहाड़ी इस्तेमाल किया जाता है। सतमा है केरला। केरला का कैपिटल आप भी जानते होंगे, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम है और उसका लैंग्वेज है मलयालम। कैपिटल तिरुवनंतपुरम, राजधानी तिरुवनंतपुरम और भाषा मलयालम। एट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कैपिटल यानी कि राजधानी है भोपाल और लैंग्वेज है हिंदी। नाइन है मेघालय। उसका राजधानी यानी कि कैपिटल है शिलांग और उसका लैंग्वेज है पहाड़ी और असामी। जो असम का था और शिमला का था, वही इसका भी है। अब 10 है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई और लैंग्वेज है मराठी। महाराष्ट्र में मराठी इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर देखते होंगे, और मुंबई में इंग्लिश और हिंदी इस्तेमाल किया जाता है। 11th है मणिपुर। मणिपुर का कैपिटल होता है इम्फाल। इम्फाल और लैंग्वेज मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर में सिंपल है, मणिपुरी डांस और मणिपुरी मणिपुरी भाषा, इसके लिए मणिपुर प्रसिद्ध है। कर्नाटका। कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलोर और लैंग्वेज है कन्नड़। कन्नड़ भी एक लैंग्वेज होता है, कर्नाटका का लैंग्वेज है कन्नड़, आप लोग नहीं समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागालैंड। नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा और उसका लैंग्वेज है असामी और नागा। कोहिमा का शायद असामी होगा और नागालैंड का नागा, सिंपल है। 14 है ओडिशा। ओडिशा, ओडिशा का कैपिटल है भुवनेश्वर और वहाँ का लैंग्वेज है ओडिया। 16 है पंजाब। पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़ यानी कि राजधानी चंडीगढ़ और भाषा पंजाबी। 16 है राजस्थान।
राजस्थान का कैपिटल चंडी, यानी कि राजस्थान का राजधानी चंडीगढ़, और वहाँ का राजस्थान का राजधानी जयपुर, और वहाँ का भाषा है ये राजस्थानी हिंदी और राजस्थानी। 17 है तमिल, तमिल का कैपिटल चेन्नई, और उसका तमिलनाडु, उसका कैपिटल चेन्नई, और लैंग्वेज भाषा तमिल। अगला है 18 है त्रिपुरा, त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला, और लैंग्वेज है उसका बंगला और त्रिपुरी। उसके बाद यानी कि 19 है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ, और लैंग्वेज है हिंदी, सिंपल है। 20 है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का राजधानी कोलकाता, और उसका भाषा बंगला। उसके बाद 21 है सिक्किम, सिक्किम का कैपिटल यानी कि राजधानी गैंगटॉक, और वहाँ का भाषा है गोरखाली और सिक्किमी। 22 है मिजोरम, मिजोरम का कैपिटल है आइजोर, और उसका लैंग्वेज है मिजो। 24 गोवा, गोवा का कैपिटल है पणजी, और वहाँ का लैंग्वेज है कोंकणी। 25 छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर है, और उसका रायपुर है, और उसका लैंग्वेज है हिंदी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, और बात करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में भी हम जीके ही से क्वेश्चन लाएंगे। अगर आपको मेरा पिछले वाले यानी कि सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर पर दो दो टॉपिक है, जंबल वर्ड और डेली यूज इंग्लिश वर्ड, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है उसमें जरूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।